ये जानकारी करते हैं कि यहाँ जो जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ साथी हमारे बीच में हैं जो श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ से हमारे बीच में हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोफेसर अवतार सिंह, प्रोफेसर साहब सिंह, अवतार सिंह, हाँ जी हाँ, अवतार सिंह जी, आप किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पर आए हैं? सर, हमारी ये मेन मुख्य मांगे हैं, जो सातवां पे कमीशन है, अभी तक सरकार, केंद्र सरकार ने इसकी इस रिपोर्ट को जनतक नहीं किया है, पब्लिक नहीं किया है, और बार बार जंतर मंतर में हम पहली दफ़ा नहीं आ रहे हैं। ये सातवां पे कमीशन की जबकि रिपोर्ट कमीशन ने सबमिट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ना पक्की रवैया धारण किया हुआ है, और इसे बार बार हमारे से मीटिंगा भी दो तीन के इन्होंने की है, पर मीटिंग के बाद भी इसने अभी तक जो रिपोर्ट है सातवें पे कमीशन की वो सबमिट नहीं की, जनतक नहीं कर रहे, इसलिए आज मजबूरन बस हो करके, इससे पहले भी हम 24 तारीख को भी, 24 जुलाई को भी यहाँ जंतर मंत्र में आए, उससे पहले भी हमने यहाँ कई दफ़ा रोज धरना दिया, और आज हम यहाँ कला रोज धरने के लिए नहीं, इसके बाद हम ठीक सारे के सारे जो हमारे टीचर हैं हिंदुस्तान के भर के आए हैं, उसमें सारे गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, गिरफ्तारी देंगे। सर, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? सर, ज़्यादातर क्योंकि दिल्ली से जो दूर से स्टेट हैं वहाँ से कम टीचर हैं, पर हमारे जो साथ हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल और इधर दिल्ली के पास लोकल दिल्ली, इस जो स्टेट हैं इनके टीचर जो काफ़ी गिनती में यहाँ आए हुए हैं, और इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर से ज़्यादा काफ़ी गिनती से जो वहाँ से अध्यापक आए हुए हैं। सर, क्या मंशा है कि जो सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं कर रहे हैं, या उसकी जो सिफारिश है वो आपके सामने लागू नहीं कर रहे हैं? सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जो ये हमारी लीडरशिप है वो उससे बातचीत तो करते हैं, पर वो इनकी कोई समझ नहीं आ रही, जिसके ये शंका पड़ जाता है, वो ये चाहते हैं कि हमारी जो बीजेपी की उखार करके इनकी आरएसएस की जो लीडरशिप है उनके थ्रू आए, और उनके जो लीडर हैं हमारी एजुकेशन को कई दफ़ा ऐसा रफा दफा करना भी चाहते हैं, और कोशिश भी इन्हें जब लास्ट टाइम आए थे और जहां एक ग्रुप आया था उसने हमारी इस एजुकेशन को रफा दफा करने की कोशिश की, पर फिर भी हम अपनी जो मांगे पर दृढ़ हैं, जो सरकार है, जो पहली सरकारें जैसे काम करती थी उसका रवैया और था, इस सरकार का रवैया बड़ा अड़ियर है। इसके अलावा जो हमारा टीचरों का UGC जो मेन है, हमारी यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन इंडिया है उसको भी ये पंक कर रहे हैं, और उसके लिए दोबारा एक कमीशन बना रहे हैं, और उस कमीशन में अपने जैसे जो उनकी नीति है वो अपने आप चहेते हैं, जो खास आदमी इनके हैं वहाँ पर बिठाना चाहते हैं, और हायर एजुकेशन को जो खास करके ख़त्म करना चाहते हैं, और इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए जो फंड्स होते हैं वो बढ़ाने तो क्या है, ये पहले से भी जो कम सरकार कर रही है, और APA स्कोर है, प्रमोशन है, ये सारा कुछ ही मतलब जो है सारा तहश नहश जरा सिस्टम जरा सारा गड़बड़ कर रही है। सर, आगामी योजना क्या रहेगी आप इस धरने को लेकर? आज कोर्ट अरेस्ट है, इसके बाद देखेंगे कि आगे सरकार का रवैया कैसा होता है, सरकार हमें किस ढंग से लेती है, और उसके बाद फिर आगे जो हमारी लीडरशिप है जो जैसा तय करेगी हम वैसा करेंगे, उनका आज्ञा का पालन करेंगे।